नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। केएल राहुल के करियर की लंका लगने वाली है और ये सही नहीं है। कम से कम विराट कोहली के बयान से ऐसा ही लग रहा है। विराट कोहली ने कहा है कि विश्व कप तक T20 क्रिकेट में वो ओपनिंग करने वाले हैं, साथ ही IPL में भी विराट कोहली RCB के लिए ओपन करेंगे। पांचवा T20 मुकाबला जीतने के बाद विराट कोहली ने मैच के बाद क्या कहा, एक बार हम आपको उस बयान पर लेकर चलते हैं। कोहली ने कहा, हाँ मैं IPL में ओपनिंग करने जा रहा हूँ। जब उनसे पूछा गया कि क्या टीम इंडिया में भी, तो कोहली ने कहा, हमारे पास अब मजबूत मिडिल ऑर्डर है, ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि दो जो टीम के बेस्ट प्लेयर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा गेंदें T20 में खेले। मैं और रोहित टॉप में खेलेंगे तो इससे बाकी के बल्लेबाजों का आत्मविश्वास बना हुआ रहेगा। मैं इसे बरकरार रखना चाहूँगा। विराट कोहली ने कहा कि टीम के दो बेस्ट प्लेयर, मतलब वो और रोहित शर्मा। फिर उन्होंने कहा कि टॉप में खेलना बरकरार रखेंगे, मतलब ओपनिंग करना जारी रखेंगे। भारतीय कप्तान की इन दो बातों से साफ है कि सिर्फ इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें T20 के लिए KL राहुल का पत्ता प्लेइंग 11 से नहीं कटा है, बल्कि ऐसे आगे और आने वाली T20 सीरीज में हो सकती है। मतलब कि T20 वर्ल्ड कप में KL राहुल की जगह बनेगी या नहीं, उस पर भी अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अब यहाँ पर दो बातें हो रही है। कोहली ने सीरीज शुरू होने से पहले कहा था कि KL राहुल और रोहित शर्मा उनके दो पहले ओपनर होंगे, इसके बाद ही शिखर धवन है, क्योंकि तब धवन और राहुल के बीच टक्कर हो रही थी। सीरीज खत्म होने के बाद अब कोहली खुद बोल रहे हैं कि वो ओपनिंग करेंगे, जो अजीब है वो इसलिए क्योंकि KL राहुल के साथ हमेशा खिलवाड़ होता रहा है। वो खिलाड़ी जिन्हें कभी सही पोजीशन नहीं मिला, हमेशा उनकी जगह से छेड़खानी होती रही, जो भारत के लिए T20 क्रिकेट में सबसे बेस्ट बल्लेबाज हैं, उन्हें ही टीम में अब जगह नहीं मिल रही है, ये हैरान करने वाला है। इससे तो यही समझा जाए कि अब KL राहुल की जगह ही टीम इंडिया में नहीं बनती है। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।